हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कार इन्फॉर्मेशन पर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा HBX और मारुति सुजुकी इग्निस के बीच में, और आपको बताएंगे कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की लुक्स एंड फीचर्स की। लुक्स में दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रीमियम और गुड लुकिंग है, लेकिन पर्सनली मुझे टाटा HBX का डिजाइन ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगा। दोनों ही गाड़ियों में हमें जरूरत के सभी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन टाटा HBX में हमें मारुति सुजुकी इग्निस से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। टाटा HBX में हमें डैशटॉप टच स्क्रीन, LED हेडलैम्प्स और क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो कि मारुति सुजुकी इग्निस में मिसिंग है। सो गाइस, अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की इंजन पावर और माइलेज की। दोनों ही गाड़ियों में हमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन दोनों गाड़ियों की पावर और टॉर्क फिगर बिल्कुल सिमिलर है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाटा HBX में हमें 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि मारुति सुजुकी इग्निस में हमें 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। इसीलिए मारुति सुजुकी इग्निस की रिफाइनमेंट टाटा HBX से बेहतर है। सो गाइस, अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी में दोनों गाड़ियों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। टाटा HBX टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट है और टाटा मोटर्स की सभी गाड़ियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि मारुति सुजुकी इग्निस मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है और मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। मारुति सुजुकी इग्निस के एक्सशोरूम प्राइजेज हैं 4.89 लाख रुपीज टू 6.81 लाख रुपीज एक्सशोरूम डेली, जबकि टाटा HBX की ऑफिशियल प्राइजेस अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइजेस हैं 4.5 लाख रुपीज टू 7 लाख रुपीज एक्सशोरूम डेली। इसीलिए दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन की और आपको बताएंगे कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। सो गाइस, अगर आप उबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाने के शौकीन हैं और आपको सेफ्टी टॉप नॉच चाहिए तो आपको टाटा HBX का इंतजार बिल्कुल करना चाहिए। और गाइस, अगर आप शहर में गाड़ी चलाना चाहते हैं जिसकी रिफाइनमेंट अच्छी हो, जिसकी मेंटेनेंस कम हो, तो आपको मारुति सुजुकी इग्निस के साथ जाना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।